एंड हेलो एंड गुड बाय टू कोहली, क्योंकि कल धोनी ने कर दिया कमाल। एक बार फिर चेपॉक स्टेडियम पे बेंगलोर को करनी पड़ी, लेनी पड़ी हार। ओके, और अभी चल रहा है मुंबई और गुजरात का मैच, जिसमें बढ़िया 9 की रन रेट पर मार रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या, जो गुजरात टाइटंस को इनॉग्रल सीजन में ही जितवा चुके हैं टाइटल आईपीएल का, वो अब मुंबई इंडियंस की टीम में है। चलिए, बाकी मैं बोलना चाह रहा था कि भाई अब समय आ गया है होली का, तो अपना चश्मा, घड़ी, मोबाइल, पर्स सब आधे दिन के आसपास के लिए छोड़ देना है और एकदम रिलैक्स हो जाना है। ओ अंबानी जी आए हुए हैं, लगता है इन्हीं का हाल में हुआ था शादी, कुछ ट्रेंडिंग में हमने देखा था शायद। और ये कैच आउट, बहुत ही ऊपर तक बॉल गई थी, काफी हैवी ऊपर शॉट था और अच्छा कैच लिया गया है, ये बढ़िया कैच लिया है। उमर जई 17 रन पे 11 बॉल में आउट, तो सही है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। एजिलस डायग्नोस्टिक्स है अपना स्पॉन्सर। और देखिए, होली का, छोटी होली मुबारक सबको, होली का दहन का देखा जाएगा क्या सीन होता है नीचे। और जैसा कि आप हमारी टी शर्ट पे देख सकते हैं, हम तो फुल पावर 24 आवर रहते हैं। आप बताइए आपके क्या ख्याल हैं कमेंट्स में। एंड क्या देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं होली में, बताइए हमें कमेंट्स में। ये क्या सीन है? अच्छा, क्रॉम्पटन फैंस क्या ऐड आ रहे हैं। एक मैंने BLDC फैंस देखा है, वो थोड़ा थोड़ा सा वियर्ड टाइप का है। क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है छोटी होली पे? छोटी होली की बधाइयां, होली का दहन का देखा जाएगा क्या होता है सीन। और बस, और क्या, अंबुजा सीमेंट हाथी को चढ़ा दिया है छत पे दिखाने के लिए कि कितनी मजबूत है। और देखते हैं डेविड मिलर कितनी मजबूत बैटिंग करते हैं। बुमरा बूम बूम बुमरा बूम बूम बुमरा आए हुए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक ओवर में सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए हैं और ये पहली बॉल पे सिर्फ 1 रन। ओके, गुजरात टाइटंस का क्या सीन है यार? गुजरात टाइटंस कैसे पहले सीजन में ही जीत गई, बहुत बढ़िया खेले। ऑफ कोर्स थोड़ा लक का भी फैक्टर होता ही है, हर स्पोर्ट्स में लक का फैक्टर होता है, हर स्पोर्ट्स में थोड़ा वो जो एक एक्स फैक्टर होता है वो गुजरात टाइटंस में था पिछले सीजन। लेकिन अब वो हार्दिक पांड्या जो तालिस्मान थे वो शिफ्ट हो चुके हैं मुंबई में। और ये रिप्ले दिखा रहे हैं कि बॉल कितनी ऊपर तक गई थी, लेकिन बहुत ही बड़े 37 meters, नॉट बैड एट ऑल। 37 meters काफ़ी ऊंचाई होती है। हार्दिक पांड्या फुल खुश, Excited. All right. ठीक है, तो IPL तो चलते रहेगा और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं अपलोड करनी हमें, लेकिन क्या करें, टाइम थोड़ा कम है और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है करने को। और हमारी बिटिया रानी को भी फुल टाइम देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स पेरेंटहुड इज़ अ फुल टाइम जॉब, यू नो, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्किंग 2 जॉब्स एट वंस। बट थैंकफुली सब सीन सही है, सब बढ़िया चल रहा है। आप बताइए आपका क्या चल रहा है। ये वर्टिकल स्ट्रीमिंग नया सीन है, मुझे पता नहीं कैसे पता चलेगा, जरा ट्राई करते हैं। टॉप चैट लाइव ऑल, ओके, सो आई विल डू दैट। आई गेस जब कोई कुछ कमेंट करेगा तभी पता चलेगा कि कैसे दिखेगा। और ये ओके, नो फर्दर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर मी। ओके, बूम 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 रा,
कर रहे हैं बॉलिंग बढ़िया, रोहित शर्मा। रोहित T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप जून में शुरू होगा और उसके लिए ऑलरेडी IPL एक काफ़ी अच्छा फर्टाइल ग्राउंड है टैलेंट के उभरने के लिए। तो देखते हैं कि क्या वो मनाते हैं, टीम में कौन कौन आ पाता है, टीम में क्या सीन होता है। रिव्यू का सीन देख रहे हैं ये लोग, लेकिन बोल रहे हैं कि बैट लगा होगा तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है रिव्यू लेने का LBW के लिए। बूम बूम बूमरा, ओ ये तो बहुत ही क्लियरली एकदम बैट से शॉट लग के। ओके तो ये सुदर्शन, साई सुदर्शन आई थिंक नाम है इनका, साई सुदर्शन कोशिश तो बढ़िया कर रहे हैं। ईशान किशन, हमारे बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला। ईशान किशन कर रहे हैं विकेट कीपिंग मुंबई इंडियंस के लिए, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। ऑल्दो इस जो पिछली टेस्ट सीरीज थी उसमें चांस उतना नहीं मिला, लेकिन इट्स गुड टू सी कि इंडिया ने टेस्ट सीरीज भी बढ़िया से जीती थी। और आपको क्या लगता है, जोमेटो होता है या जोमेटो होता है? एक एड आजकल आ रहा है ना क्रिस गेल और रणवीर सिंह बोल रहे हैं जोमेटो या जोमाटो। तो ये लगता है एड रीमेक हुआ है, क्योंकि पहले ये बंदा जो डिलीवरी बॉय है वो कुछ नॉन कमिटल सा देता था मामला, लेकिन इस बार इसने बोला आमची मुंबई जीतेगी एंड समथिंग। तो जोमेटो के डिलीवरी बॉय तो आमची मुंबई को जिता रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं IPL में बताइए हमें जरा, देखें क्या सीन है। एंड रुपए क्रेडिट मैच डे ड्रॉप, ओके तो इसका मतलब पूरे IPL में हर दिन ये मैच डे ड्रॉप चलते रहेगा रुपए में। देखा जाएगा क्या है इसका सीन बाद में, कुछ जब कमेंट्री के साथ हम देखेंगे मैच तो पता चलेगा क्या है इसका डिटेल्स। हैशटैग टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई से याद आया एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है, क्या नाम है, हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई। ओ अच्छा, उसमें एक्टर्स भी हैं और कॉन्सेप्ट्स भी हैं थोड़े बहुत, एंड पता नहीं सीजन 2 आएगा कि नहीं उसका, लेकिन आई वुड लाइक टू सी अ सीजन 2 ऑफ हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई। आपके क्या टीवी शो फेवरेट हैं बताइए हमें, करें थोड़ा डिस्कस। और आजकल हम देख रहे हैं यंग शेल्डन एंड स्टार वॉर्स द बैड बैच, एनिमेटेड सीरीज है बहुत ही बढ़िया, एकदम साइंस फिक्शन और सॉर्ट ऑफ, ओह गुड गुड, तो यही सब चीज़ों के साथ चल रहा है हमारा मामला संडे का, छोटी होली का। जसप्रीत बुमराह भाई क्या, ये विकेट का रिप्ले दिखा रहे हैं इनके, यॉर्कर एकदम टो क्रशर जिसको बोलते हैं, टो क्रशर यॉर्कर के साथ इन्होंने विकेट लिया था अपना। और ये है दूसरा तीसरा विकेट जो 37 मीटर्स ऊपर गई बॉल, और अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने, गुड जजमेंट, स्टेड काम अंडर प्रेशर। और ये चौका, 1 बाउंस एंड 4। ये साई सुदर्शन बढ़िया 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेल रहे हैं, सही लग रहा है, बढ़िया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट लिवरपूल 4-3,
लास्ट वीकेंड एंड बहुत ही बढ़िया था। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र अविनाश हमारे साथ थे। अविनाश ने इनफैक्ट प्रेडिक्ट किया था कि इट फील्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड नाइट, लेकिन अभी जो चल रहा है मामला उसमें लग रहा है इट्स गोइंग टू बी अ गुजरात नाइट, गुजराती डांडिया होने वाला है बढ़िया, क्योंकि मुंबई का लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल में आया है रन रेट, क्योंकि पहले 10 ओवर में तो एकदम मतलब 10 की रन रेट पर ये मार रहे थे, और हाल ही में आप देखते हैं कि ये 14 ओवर के बाद 113, तो थोड़ा सा डाउन हो गया है मामला, लेकिन दैट डजेंट मैटर, बिल्कुल बढ़िया सीन चल रहे हैं इनके। कल दो टीम ने 200 रन मारे और केकेआर जीत गई 4 रन से, तो 200 रन दोनों टीम के मानना काफ़ी फायर पावर दिखाता है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। और शाहरुख खान ने फिर एक विक्ट्री लैप भी दिया अपने स्टेडियम में, पूरा वो एक बार घूमे ग्राउंड स्टाफ के साथ, फ़ोटो वोटो खिंचाई, तो इम्पोर्टेंट टू बी वेरी कम्युनिकेटिव नो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज की। तो एक पिंक फ्लॉयड का गाना है विच इज कीप टॉकिंग, तो कीप टॉकिंग भी बहुत ही बढ़िया गाना है। अच्छा ये ड्रीम इलेवन का ऐड है, मुझे तो लगा ये नॉर्मली ऐसे ही आईपीएल का ऐड है। तो ड्रीम इलेवन के ऐड में दिखा रहे हैं कि प्रीति जिंटा ने ऋषभ पंत की एसयूवी पे चक दे पंजाब बॉडी पेंट करवा दिया है, बट पंजाब भी तो, हाँ बिल्कुल ऋषभ पंत भी सही बात पूछ रहे हैं, पंजाब कब जीती भाई, पंजाब भी तो कोई आईपीएल नहीं जीती है, तो कैसे आप विनर की गाड़ी बोल रहे हो, उसको विनर की गाड़ी बना दी, ये तो अजीबो गरीब बात है। क्या है महेश एंड फादर म्यूजिकल्स, ये ग्रो से कैसे रिलेटेड है भाई, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कमाया कि बिजनेस खोल दिया महेश एंड फादर म्यूजिकल्स, अच्छा जी चलो देखते हैं। क्यूबो डैश कैम्स की हमारी आज ही बात हो रही थी, डैश कैम के हिसाब से अपने आप ही कुछ उसका टाइमर का अजीब गरीब सीन था, बोलता है यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 आवर्स एंड यू शुड टेक अ रेस्ट, मतलब भाई आधा घंटा भी नहीं हुआ है गाड़ी चलाते हुए, तुम बोल रहे हो 4 घंटे हो चुके, तो टेक्नोलॉजी भी ना अपने हिसाब से कुछ भी करते रहती है, एंड कभी कभी अपने ही अपने हिसाब से ब्रेक लगा देगी, कभी अपने हिसाब से हमें बोलेगी सो जाओ उठ जाओ, भाई टेक्नोलॉजी हमारी सुनेगा या हम टेक्नोलॉजी की सुनेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। एनीवे टू वे कम्युनिकेशन यहाँ भी होना चाहिए, आप भी बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी फील आ रही है कि गुजरात जीतेगी मुंबई जीतेगी सुपर ओवर होंगे क्या होगा। एनीवे आईपीएल में सुपर ओवर होता है क्या, आईपीएल में ड्रॉ पे पॉइंट बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट दोनों को मिलते हैं, पता नहीं, अगर आपको पता है तो बताइए मुझे कि क्या सीन है अगर टाई स्कोर होता है मैच के एंड तक। और ये आ रहा है सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आईफोन 15 का है, डोंट लेट मी गो लॉट्स ऑफ स्टोरेज फॉर फोटो, कितना बढ़िया लगता है बिटिया रानी सो रही होती है तो एकदम शांति से, अभी वो पावर नैप ले रही है और रात में वो फिर हमारे साथ जगेगी 2 बजे तक, तो कभी कभी हमने एक मूवी देखनी शुरू की द क्रिएटर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, अभी तो आधी अधूरी टाइप्स देखी है, तो आई वोंट गिव माय फुल रिएक्शन टू इट येट, बट दैट इज अनदर थिंग इन द लिस्ट विच इज येट टू बी एडिटेड एंड अपलोडेड और रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड रादर, कुछ कुछ बेस फुटेज भी है हमारे पास जिसके ऊपर हमें वॉइस ओवर करनी है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट्स ऑफ वीडियोज टू मेक एंड अनफॉर्चुनेटली वेरी लेस टाइम। ओके ऑलराइट, ये तो हो गया विकेट्स का रिप्लेस, अरे 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 ये कोइत्ज़ी भाई तो एकदम ही बरगला गए बौखला गए,
बौरा गए जिसको बोलते हैं, एकदम ही विकेट ना लिए लग रहा है कि चांद पे पहुंच गए हैं और नाच रहे हैं। लेकिन ये साई सुदर्शन अपना टिके हुए हैं बढ़िया। रोहित शर्मा, रोहित मैन कप्तान साहब दे रहे हैं पूरी एकदम एडवाइस और स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। ये हार्दिक पांड्या के साथ मोस्टली चल रहा है डिस्कशन, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। मोटिवेशन अप रखने के लिए कप्तान का ही काम होता है अपने टीम को पंप अप करते रहना। तो अब देखते हैं कि ये पांड्या साहब आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए। और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, उसके 1 मिनट बाद तक भी ये इधर उधर डोल रहे हैं, क्या मतलब है भाई? अगर आप डोलते ही जा रहे हो तो 2.5 मिनट मिले तो उसी में डोल लेते, क्या सीन है? रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इन दी IPL, 56.3% विनिंग रेट, एंड विच इज वाई मुंबई इंडियंस हैव वन लाइक सिक्स, व्हाट, फाइव सिक्स टाइटल्स, फाइव टाइटल्स आई गेस। एंड पांड्या साहब अपनी कप्तानी में टाइटल विनिंग रेट की बात की जाए तो 100% टाइटल विनिंग रेट है भाई। पहला सीजन गुजरात टाइटन को कैप्टन किया और जितवा ही दिया सीजन, 70.9%, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हार्दिक पांड्या बतौर कैप्टन IPL में 70% मैचेस जीते हैं। ऑफ कोर्स वो पिछले टूर्नामेंट, पिछले सीजन का ही बात है, इस वाले मैच में तो इनका ज़्यादा जादू नहीं चल रहा है। और ये लगता है एक और चौका पड़वा दिया है, यस। इसी के साथ सुदर्शन जी पहुंच गए हैं 40s में, 41 के स्कोर पे। एंड दूसरी तरफ डेविड मिलर इज नॉट डूइंग मच, लेट्स सी, लेट्स सी। लाइक आई वाज टेलिंग यू, 200 प्लस स्कोर्स, 200 प्लस स्कोर्स वर अचीव्ड यस्टरडे, एंड शाहरुख खान की टीम जीत गई। और बताइए क्या चल रहा है, छोटी होली कैसे मन रही है? What's going on? All right, so 4.5, no, sorry, 5.5 more overs to go, and I'm going to continue to stay alive till Gogu awakes. She has gone back to sleep. She just woke up a little. Okay, but हम इसको ज़्यादा देर सोना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा देर सोने नहीं देना चाहते हैं। ये क्या है, हंस रहे हैं? अंबानी, दोनों माए बेटा अंबानी सोफा पे बैठ के हंस रहे हैं, क्या हो रहा है सीन? लगता है कोई मैदान में भाग के आ गया है फैन और उसको हटाया जा रहा है। तो ये स्ट्रीकिंग बोलते हैं इसको, स्ट्रीकिंग जो होता है ना, उसमें स्पेक्टेटर किसी तरीके से घुस के मैदान में घुस जाते हैं, और टीवी पे बिल्कुल इसको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि टीवी पे अगर दिखाने लगेंगे तो और ज़्यादा लोगों को मन करेगा कि भाई इसी तरीके से मैं भी टीवी पे आ जाऊं और लाखों लोग मेरे को हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो इस कारण से स्ट्रीकर्स को नहीं दिखाया जाता है। फुटबॉल मैचेस में ये काफ़ी ज़्यादा होता था, क्रिकेट मैचेस में भी होता ही है, लेकिन फुटबॉल मैचेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, तो 120 रन बन गए हैं 14.5 ओवर, और लगता है स्ट्रेटेजिक ब्रेक में किसी फैन ने भी बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाया, और जैसे ही ब्रेक ख़त्म हुआ सिक्योरिटी तोड़ते हुए पहुंच गए मैदान के बीच, बीचो बीच बंदर, और स्लो बाउंसर, और फील्डिंग हो गई है। लेकिन तब तक 2 रन भी भाग लिए हैं, ओवर थ्रोज बच गए हैं। चलो बढ़िया सीन है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है मामला। ये 2022 का दिखाया रहे हैं सीन, जो हार्दिक पांड्या ने जीता था गुजरात टाइटंस के साथ। शुभमन गिल भी थे उस समय, तो शुभमन गिल अब रहेंगे गुजरात टाइटंस के कप्तान, क्योंकि हार्दिक पांड्या जी ने दगा दे दिया है इनको और चले गए हैं मुंबई इंडियंस की टीम में। तो
अब पांड्या जी कर रहे हैं अपनी पांचवी बॉल, रादर थर्ड ओवर की पांचवी बॉल, एंड नथिंग मच, बस एक सिंगल आया है। तो स्ट्राइक रेट तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, क्योंकि शुरुआत तो एकदम धमाकेदार थी गुजरात टाइटंस की। टाटा न्यू मैंने तो डाउनलोड नहीं किया कभी, बट आई थिंक इट इज इंटेंडेड टू बी अ सुपर ऐप फॉर इंडिया। और एक सिंगल के साथ ओवर 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 इज ओवर, 5 more overs टू गो, विच मीन्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर आई गेस। ये बॉबी देओल प्लेइंग विद धोनी, एंड बॉबी देओल ने धोनी को हरा दिया है। धोनी जी ने अपने बाल बढ़ा लिए हैं और विंजो के ऐड कर रहे हैं। ऑलराइट। और ये कोई हायर का टीवी है जिसमें डॉल्बी एंड हार्मन कार्डन स्पीकर हैं। 120 Hz रिफ्रेश रेट, हैवी शार्ज, हैव मोर आइसक्रीम। ये ओके।